The past causes the present and so the future. Therefore, it is very important to know about the past to change the present for a better future. So let's find out what this chapter, Print Culture and the Modern World, has to teach us. Hello young readers and writers, Divyam with you on PU Stack. Welcome to History Chapter, Print Culture and the Modern World. ये इस चैप्टर का इंट्रोडक्टरी लेक्चर है गाइस, हमारे लिए इस वर्ल्ड को बिना किसी प्रिंटेड मटेरियल के इमेजिन करना बहुत मुश्किल होगा। आज हमारे आसपास हर जगह प्रिंटेड मटेरियल्स हैं, फॉर एग्जांपल बुक्स, न्यूज़पेपर्स, सर्कुलर्स, कैलेंडर्स, एडवर्टीजमेंट्स, पोस्टर्स एंड व्हाट नॉट। हम कभी कभार इस प्रिंट कल्चर को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। हम ये नहीं सोचते कि इस प्रिंट कल्चर से पहले भी एक दुनिया थी, इस प्रिंट कल्चर से पहले भी लोग जीते थे, और एक्चुअली इस प्रिंट कल्चर ने हमारे इस मॉडर्न वर्ल्ड को एक नया शेप दिया है। सर, तो क्या है प्रिंट कल्चर की हिस्ट्री और इसने हमारे इस मॉडर्न वर्ल्ड को एक नया शेप कैसे दिया? यही तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इस चैप्टर को हम टोटल 11 लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे। ये फर्स्ट लेक्चर है जो कि इंट्रोडक्टरी है। सेकेंड लेक्चर में हमारा टॉपिक होगा द फर्स्ट प्रिंटेड बुक्स, जिसमें हम बात करेंगे कि ये प्रिंट कल्चर कहां से ओरिजिनेट हुआ। लेक्चर 3, 4, 5 और 6 में हम बात करेंगे कि प्रिंट कल्चर यूरोप में कैसे पहुंचा, वहां पर प्रिंट रेवोल्यूशन कैसे आया, उसके क्या क्या इम्पैक्ट थे और 19th सेंचुरी में वहां पर क्या हुआ। लेक्चर 7, 8, 9 और 10 में हम पढ़ेंगे कि प्रिंट कल्चर इंडिया में कैसे पहुंचा, वहां पर लोगों ने उसको कैसे अडॉप्ट किया, उसके क्या क्या इफेक्ट्स थे, क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई और फाइनली ब्रिटिशर्स ने क्या किया। और 11th लेक्चर में हम इस पूरे चैप्टर को शॉर्ट में रिवाइज करेंगे। सो गाइस, वेलकम टू द सीरीज। अगर आपको आने वाले लेक्चर्स में कोई भी डाउट हुआ तो प्लीज कॉमेंट कीजिए। अगर आपको मेरे लेक्चर्स पसंद आए देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू पीयू स्टैक। टू गो टू द नेक्स्ट लेक्चर दैट इज अबाउट द फर्स्ट प्रिंटेड बुक्स, जस्ट क्लिक हियर। Thank you for your time and all the best for the series.